गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून, गुड हाउ आर आफ्टरनून यू सर। सर? मेरा नाम सुप्रीता श्रीवास्तव है। मैं झारखंड से हूँ, धनबाद झारखंड से हूँ। मेरे फादर का नाम दिलीप श्रीवास्तव है, वो एक प्राइवेट जॉब करते हैं। मेरी मदर का नाम सुशीला श्रीवास्तव है और वो हाउसवाइफ है। मैंने अपनी 10th एंड 12th की पढ़ाई झारखंड से ही की है। मैंने अपनी ग्रेजुएशन बिजनेस एंड फाइनेंस से की है, दिल्ली दिल्ली से की है 2017 में, फ्रॉम जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी। मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन किया है एम कॉम में फ्रॉम द सेम यूनिवर्सिटी इन 2019। मैंने एडवांस डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन किया है दिल्ली से ही सर। एंड साथ में ही मैंने TDS का सर्टिफिकेशन कोर्स किया है फ्रॉम टेली प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, बेंगलुरु बेस्ड। इसके साथ ही मैंने 2 साल एक एजुकेशनल ऑर्गेनाइजेशन में काम किया है एज अ ट्रेनर एंड काउंसलर। और मेरी हॉबीज हैं चेस खेलना और ट्रैवल करना। तो आपने एजुकेशन की, उसके बाद में आपने जो है स्कूल या एजुकेशन इंस्टीट्यूट में एज ए काउंसलर काम किया है। तो एज अ आपका काउंसलर जॉब, एंड ऑफिसर ट्रेनर। आपका जो जॉब है, जो आपने एक्सपीरियंस लिया है, या आपकी जो एजुकेशन है, वो LIC EDO प्रोफाइल के लिए कैसे सुटेबल है? सर मैं वहाँ पे एज अ काउंसलर वर्किंग थी, तो मैं ऑलरेडी हैबिचुएटेड थी कि मुझे पब्लिक डीलिंग कैसे करनी है, मुझे कैसे लोगों का एडमिशन करवाना है, उनको कैसे अप्रोच करना है सो दैट वो हमारे कोर्सेज को परचेज करें। तो सर मुझे लगता है कि ये चीज़ मुझे यहाँ पे भी हेल्प करेगी। मैं अपने एजेंट्स को अच्छे तरीके से बता पाऊंगी पॉलिसीज के बारे में, मैं उनको अप्रोचेस बता पाऊंगी कि वो कैसे मार्केट में जाके लोगों से कनेक्ट कर सकते हैं। बिकॉज मैं ऑलरेडी इस फील्ड से रही हूँ सर, तो मुझे इस चीज़ की अवेयरनेस है जो मुझे LIC EDO प्रोफाइल में भी हेल्प करेगी। आप मूल रूप से कहाँ से हैं? नेटिव प्लेस क्या है आपका? सर झारखंड है। नहीं, झारखंड में कहाँ से हैं? झारखंड में सर वहाँ पे एक प्लेस का नाम है चिरकुंडा, मैं वहाँ से हूँ। बट झारखंड के सर बारे मैंने में लखनऊ बताइए आप। डिवीजन से अप्लाई किया अभी आपने है। जी कौन से सर डिवीजन से अप्लाई किया है? लखनऊ डिवीजन से अप्लाई किया है बिकॉज मेरा फैमिली बेस यहाँ का ही है और मेरी फैमिली आफ्टर 2 ईयर्स रिलोकेट करेगी, एंड बिकॉज ये नॉन ट्रांसफरेबल जॉब थी सर तो मैंने यहीं से अप्लाई कर लिया। ओके, चलो आप ये बताइए कि आपने LIC का ही क्यों चुनाव किया जॉब के लिए? सॉरी सर। आपने LIC का ही क्यों चुनाव किया जॉब के लिए? बिकॉज LIC इंडिया की लार्जेस्ट, वन ऑफ द लार्जेस्ट कंपनी है, इंश्योरेंस कंपनी है एंड ओनली प्राइवेट कंपनी है। और LIC में सर बहुत ज्यादा ग्रोथ है बिकॉज अभी अगर हम पेनिट्रेशन लेवल देखें तो अभी लेस देन 5% है, तो यहाँ पे सर ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज बहुत ज्यादा है। दैट्स वाई सर मैंने LIC चूज किया है। तो प्राइवेट कंपनियां तो और भी है, तो आप जैसे किसी जो है अपने क्लाइंट को या अपने एजेंट्स को आप कैसे कन्विंस करेंगे कि जब वो मार्केट में जाएंगे तो एक LIC के नाम से उनको ज्यादा इजी रहेगा अप्रोच करना कस्टमर को? तो ये कैसे पॉसिबल है? सर बिकॉज LIC ऑलरेडी ब्रांड है और सभी को पता है कि LIC एक, मतलब लोगों का कि सर एक माइंड आप सेटअप भी। ये बात कैसे कह सकते हैं कि LIC जो है वो एक ब्रांड नेम है? मार्केट शेयर कितना है इसका मार्केट के अंदर? LIC जो मार्केट जीवन शेयर बीमा है उसके अंदर मार्केट शेयर कितना है LIC का? LIC का सर मार्केट शेयर तो मुझे एग्जैक्टली नहीं पता है सर, बट सर ऐसा है कि लोगों के माइंड में ये एक थॉट है कि वो गवर्नमेंट कंपनीज पे ज्यादा रिलाई करते हैं, वो ज्यादा भरोसा करते हैं कि इसमें उनका पैसा या जो भी वो इंश्योरेंस पॉलिसीज ले रहे हैं वो सिक्योर रहेगी। तो उस बेसिस पे सर मैं कह सकती हूँ कि एजेंट्स के लिए थोड़ा सा ज्यादा सही रहेगा, उनको इतना ब्रांड अवेयरनेस क्रिएट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक जो है पर्सन है, मान लो 23 ईयर ओल्ड है, ठीक है, और अभी जस्ट मान लो उनकी जॉब लगी है, या प्राइवेट कर रहे हैं या गवर्नमेंट कर रहे हैं, एल्स कोई भी हो सकता है ना, तो आप फर्स्ट उनको कौन सा तरीके का प्लान जो है सजेस्ट करेंगे? जैसे विभिन्न तरीके के प्लान होते हैं LIC के अंदर, है ना, एंडोमेंट यस प्लान, सर। एन्युटी प्लान, पेंशन प्लान, टर्म प्लान, तो कौन सा प्लान सबसे ज्यादा सजेस्ट करने का प्रयास करेंगे आप?
सर पहले तो मैं उनसे डिस्कस करूंगी, मैं उनसे जानने की कोशिश करूंगी कि उनका मेजर कंसर्न क्या है। अगर वो अपने लाइफ को लेके ज्यादा कंसर्न है तो सर मैं उनको टर्म पॉलिसी सजेस्ट करूंगी। अगर उनको चाहिए कि मेरी लाइफ भी सिक्योर रहे, साथ साथ मैं कहीं इन्वेस्ट भी कर पाऊँ डेप्ट इक्विटी में, तो मैं उनको एंडोमेंट प्लान सजेस्ट करूंगी। और डेप्ट अगर सर इक्विटी में उनका इन्वेस्टमेंट कंसर्न, करेंगे तो एंडोमेंट प्लांट होता सॉरी यूलिप प्लान सर, यूलिप है, प्लान, अगर प्लांट उनका सेविंग का पर्पस रहेगा, साथ साथ उनकी लाइफ भी सिक्योर रहे, तो मैं उनको एंडोमेंट प्लान सजेस्ट करूंगी। अगर उनको चाहिए कि उनको रेगुलर इंटरवल पे कुछ अमाउंट मिलता रहे, तो सर मैं उनको मनी बैक पॉलिसी सजेस्ट करूंगी। तो बेसिकली सर एन्यूटी, मैं पहले एक उनसे डिस्कस करूंगी। एन्यूटी प्लान और होता है, वो क्या होता है एन्यूटी प्लान? सर एन्यूटी एक पेंशन प्लान है, जिसमें एक लिमिटेड टाइम पीरियड तक आपको प्रीमियम देना रहता है, उसके बाद एक मेच्योरिटी एज होती है एंड फिर आपको पेंशन रिसीव होता है आफ्टर वेस्टिंग एज। ओके, आप ये बताइए, एक महिला या एक लड़की के तौर पर आप इस चैलेंजिंग एनवायरनमेंट में, क्योंकि लगभग 25-26 कंपनियां देश के अंदर जो है बीमा का काम कर रही है, लाइफ इंश्योरेंस बेच रही है, तो आप कैसे ये काम कर पाएंगी एक लड़की के तौर पर, या आप कैसे हमें आश्वस्त कर सकती हैं कि यदि आपका सिलेक्शन किया जाए तो आप एक बेहतर जो है वो डीओ के तौर पर उभर के आएंगी? सर मुझे ऐसा नहीं लगता कि बीइंग अ गर्ल मेरे लिए ऐसा कोई हिंड्रेंस हो सकता है, क्योंकि आज अगर आज के टाइम पे हम लोग देखें तो हर जगह पे महिलाएं हैं। फाइनेंस मिनिस्टर भी हमारी महिला है, हमारी प्रेसिडेंट भी महिला है, और साथ में ही LIC की जो मैनेजिंग डायरेक्टर है, वन ऑफ मैनेजिंग डायरेक्टर जो है, वो भी फीमेल है, ईपी मिनी क्या नाम मैम, है उनका? साथ में ईपी मिनी मैम। ओके, और इसके साथ में सर अभी रीसेंट की न्यूज है कि रितु नंदा मैम को बेस्ट एडवाइजर का वो LIC ने अवार्ड दिया है। तो मुझे लगता है सर महिलाएं भी इक्वली कैपेबल हैं लोगों को अप्रोच करने के लिए अपनी बातें, और मुझे ऐसा लगता है कि सर कहीं ना कहीं हमारे अंदर वो एक कन्विंसिंग स्किल 1% मुझे लगता है कि ज्यादा ही होती है कि हम लोगों तक पहुंच सकते हैं। अगर मैं एडाई की भी बात करूं सर, तो हमारे उन्होंने एक बीमा वाहक लॉन्च किया है जो कि वुमेन सेंट्रिक है। तो सर मुझे ऐसा नहीं लगता कि बींग अ गर्ल मुझे, बींग अ वुमेन मुझे कोई ऐसा हिंड्रेंस आएगा। चलो, बहुत अच्छा रिप्लाई है आपका। अब आप एक जो है, थैंक यू मेरी सर। साइड से एक अंतिम सवाल और है आपके लिए। आपने बीकॉम किया है, ठीक है? आपने कौन कौन से सब्जेक्ट्स पढ़े हैं बीकॉम के अंदर? सर मैंने एक्चुअली बिजनेस फाइनेंस किया है, जिसमें ओके ओके, मैंने बिजनेस ह्यूमन फाइनेंस, रिसोर्स मैनेजमेंट, ह्यूमन रिसोर्स HRM। डेवलपमेंट, हाँ हाँ जी सर, जी, बिजनेस मार्केटिंग, इंटरनेशनल मार्केटिंग और अकाउंटिंग भी था सर उसमें। ओके, मार्केटिंग आपने पढ़ी है, ठीक है। आप ये यस सर। बताइए कि मार्केटिंग और सेल्स में एग्जैक्ट डिफरेंस क्या होता है? सर सेल्स बेसिकली प्रॉफिट ओरिएंटेड होता है, जिसमें हम सेल करके बेसिकली उसमें फोकस होता है कि हम प्रॉफिट अर्न कर पाए और सेल कर पाए, जबकि मार्केटिंग सर दोनों पे फोकस करता है। प्रॉफिट ओरिएंटेड भी होता है, लेकिन ज्यादा से ज्यादा वो कस्टमर सेटिस्फेक्शन पे वो करता है, ध्यान देता है, फोकस करता है। तो मार्केटिंग सर सेल्स को भी कवर करता है, तो ये मेजर डिफरेंस है सर कि वो कस्टमर सेटिस्फेक्शन भी देखता है उसमें। ओके सर, हाँ, आप अपने स्टेट के बारे में बताइए। सर मैं जिस स्टेट से बिलोंग करती हूँ वो बेसिकली वन ऑफ द रिचेस्ट मिनरल सोर्स के लिए जाना जाता है। 40% सर वहाँ पे मिनरल्स पाए जाते हैं, जिसको जो गवर्नमेंट 40% मिनरल्स झारखंड से कंज्यूम करती है। साथ ही साथ सर 28% वहाँ पे कोल रिजर्व है, 18% सर वहाँ पे कॉपर और आयरन भी है। इसके अलावा बहुत सारे मिनरल्स हैं सर जो झारखंड में पाए जाते हैं। झारखंड सर बेसिकली लैंड ऑफ फॉरेस्ट के नाम से जाना जाता है। वहाँ के सर चीफ मिनिस्टर हैं हेमंत सोरेन सर एंड गवर्नर हैं सर राधा कृष्णन सर। इसके अलावा सर झारखंड बिहार से अलग हुआ था, वो बिहार का ही एक पार्ट था, 2000 में वो बिहार से अलग हुआ है। और सर वहाँ की एक पेंटिंग है सोराई पेंटिंग, जिसको GI टैग भी मिला हुआ है। आपकी स्ट्रेंथ और वीकनेस बताओ। सर मेरी स्ट्रेंथ ये है कि मैं लोगों से बहुत इजीली कम्युनिकेट कर पाती हूँ। मैं पहले भी मैं उस ऑर्गेनाइजेशन में रही हूँ जहाँ पे मैंने 10 लोगों की टीम को मैंने लीड किया है, तो मैं लोगों से इजीली सर घुल मिल जाती हूँ, मैं उनको मोटिवेट कर पाती हूँ। साथ में ही सर मेरे साथ ऐसा है कि मैं स्ट्रेस्ड सिचुएशन में ज्यादा प्रोडक्टिव हो जाती हूँ। अगर मेरे पास टारगेट है तो मैं उस टाइम ज्यादा ट्राई करती हूँ कि मैं ज्यादा प्रोडक्टिव वर्क दे पाऊँ। सर मेरी वीकनेस ये है कि मैं थोड़ा सा अपने
एक्सरसाइजेस को लेके, मतलब मैं डेली एक्सरसाइज नहीं कर पाती, मैं ट्राई करती हूँ कि मैं थोड़ा सा अपने हेल्थ को लेके थोड़ा और ज्यादा कॉन्शियस रहूँ, थोड़ा और ट्राई करूँ। तो सर अभी मैंने रेगुलर बेसिस पे योगा वगैरह भी स्टार्ट किया है, तो ये सब मेरी वीकनेस है। एक एडीओ की ड्यूटीज क्या होती है? सर एडीओ की ड्यूटीज हैं बेसिकली बिजनेस डेवलप करना, जो वो एजेंट्स रिक्रूट करके, उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड करके, उनको मोटिवेट करके, उनको टारगेट असाइन करके, टाइम टू टाइम उनके परफॉर्मेंस को एनालाइज करते हैं। ये सब बेसिकली एडीओ का काम है। एक बेस्ट एडीओ में क्या क्वालिटी होनी चाहिए? सर उनमें पेशेंस होना चाहिए, उनकी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी होनी चाहिए, उनको लोगों को मोटिवेट करना आना चाहिए, साथ में उनको ऑनेस्ट रहना चाहिए सर, क्योंकि अगर वो ऑनेस्ट रहेंगे तभी वो अपने एजेंट्स को बता पाएंगे कि मिस सेलिंग नहीं करनी, और लोगों को ऑनेस्टी के साथ कनेक्ट करना है। आपको इस जॉब के अलावा अच्छी जॉब कोई मिलती है तो क्या आप ये जॉब छोड़ दोगे? सर मैं बेसिकली इस लाइन में, मतलब मैं इंश्योरेंस सेक्टर में इसलिए आना चाहती हूँ सर, क्योंकि मुझे सीखना है यहाँ पे। मुझे पता है कि मैं कुछ टाइम के बाद मैं ज्यादा नॉलेजेबल और एक्सपीरियंस हो जाऊंगी, और मैं LIC के साथ सर ग्रो करना चाहती हूँ, मैं अभी स्विच नहीं करने का सोचूंगी। आपकी हॉबीज बताइए। सर मेरी हॉबीज हैं चेस खेलना और ट्रैवलिंग करना। ट्रेवलिंग करना। अब भारतीय संविधान के बारे में बताइए थोड़ा। सर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, सर मुझे क्वालिटी इतना मैं नहीं उससे कनेक्टेड हूँ, क्योंकि बैंकिंग में भी इतना नहीं है, तो मैं उतना ज्यादा नहीं कनेक्टेड हूँ, बट हाँ मुझे बेसिक चीजें उसके बारे में पता है सर। ओके, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन जो है वो किस आर्टिकल का हिस्सा है? अभिव्यक्ति आर्टिकल 19 सर। की आजादी है ना। ठीक ठीक है, चलो ठीक है, आपका इंटरव्यू सही है, कॉन्फिडेंट भी हो आप काफी, है ना। थोड़ा जनरल अवेयरनेस या न्यूज़पेपर वगैरह आप और देख लेना, है ना। बाकी आपको इंश्योरेंस का भी अच्छा नॉलेज है, ठीक है ना। आप चीजों को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर रहे हैं, क्योंकि आपने काम कर रखा है तो वो एक्सपीरियंस झलक रहा है आपके इंटरव्यू में, है ना। तो आपका इंटरव्यू अच्छा है, ठीक है। हमारी तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बेस्ट ऑफ लक, ठीक है। थैंक यू सर, थैंक यू ओके। सर।